आज गए थे कॉलेज मोदी जी, तो वहां देखे प्रोफेसर से के धूप में बैठ के कुर्सी पे हाई कर रहा है, वही पैसा दे रहे हैं ना प्रोफेसर से के बच्चा से लेता है, जेन्युइन पैसा है से तो लेवे करता है, ऊपर से चुसबो करता है, वही करने के लिए पैसा देते हैं। वो लोग गलत कर रहा है तो उस सबको नहीं जॉब से हटाइएगा और नहीं उस सबको सस्पेंड कीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा। हम लोग जेन्युइन तरीके से किए हैं, हम लोग गरीब है ना, इसलिए आप एकदम पीस रहे हैं, जितना पीसा आ जाए गरीब, जितना बड़का है बड़का बन जाए, तनी उस सबके सस्पेंड कीजिए ना प्रोफेसर सबके। तब भारत के कौन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है? प्रधानमंत्री तो आप खुद नहीं चाह रहे कि बच्चा शिक्षित हो अच्छा से, कहे कि न चाहते तो 18% शिक्षा पे GST ही नहीं लगाते। मीडिया वाला तुम्हारा 161 हो गया हुआ है रैंक, तैयो ना तुमको शर्माता है, ये सब दिखाने के लिए कहाँ रहता है? जहाँ प्रोफेसर से हम लोग को करना पड़ेगा ये काम, मीडिया वाला काम हम लोग करना पड़ेगा ना, हम लोग इतना बिलख रहे हैं तो आज तू भी नहीं सुन रहा है। ये लोग से कुछ नहीं होने वाला है, आप लोग के कह रहे हैं, जहाँ भी कुछ गलत होते हुए देखिएगा ना वहाँ वीडियो बनाइए, नहीं वीडियो बनाने लायक है ना तो कान में मोबाइल लगाइए कैमरा चालू करके तब वीडियो बनाइए, लगेगा कि बात कर रहा है, एक्टिंग कीजिए बात करने का तब वीडियो बनाइए। हम तो ऐसे ही वीडियो बना लेते हैं जहाँ नहीं बनाने लायक रहता है। ये मोदी है ना हम लोग के खाली गरीब परिवार को पीसेगा, बड़का के बड़का बनाएगा। प्रोफेसर सा गलत काम कर रहा है तो उस सबको थोड़ा हटाओ ना, कोई यूनिवर्सिटी में जब पढ़ाई हो कहेगा बच्चा नहीं आता है, तुम्हारा कैसा शिक्षा व्यवस्था है कि बच्चा नहीं आएगा? बच्चा भी पढ़ने के लिए पैसा देके बाहर बाहर जा रहा है पढ़ने, बच्चा नहीं आता। देखिए सारा रूम में जो है ताला लॉक है, एक भी आपको खुला नहीं देखेगा, एक भी। यहाँ देखिए सब प्रोफेसर धूप में बैठ के गप्पा लड़ा रहा है, कोई मोबाइल देख रहा है तो कोई गप लड़ा रहा है, बच्चा कहीं जाए बच्चा के एगो काम साइन करवाने गया है तो उसको एगो डांट दिया है, करा अभी हम बात कर रहे हैं तो तुमको समझ में नहीं आ रहा है कि बात करने के बाद दें? ऐसा ऐसा प्रोफेसर है, लेकिन इस सब पे ध्यान नहीं जा रहा है मोदी जी। हम लोग NIS एकदम जेन्युइन तरीके से किए हैं तो हम लोग के हटाए हैं ना, एक भी जब वोट चला जाए ना आपको तो फिर देखिएगा। हम लोग अपना हक मांग रहे हैं मोदी जी, दे दीजिए नहीं तो आपका सब कच्चा चट्टा जो पुर्जा है ना सब खुल जाएगा। 14 लाख बच्चा है, 14 लाख बच्चा का रिलेशन समझिए, उसका घर का परिवार का वोट समझिए, एक भी वोट नहीं जाएगा आपको, कान खुल करके सुन लीजिए। जैसे जो आप कान में रुई अभी रखे हुए ना उसी तरीके से हम लोग भी रखेंगे। ये जो सोचिएगा नौजवान सब जाता नहीं है वोट देने तो हम क्यों जाए काम करने, इस बार सब नौजवान जाएगा वोट देने, एक एक वोट डालेगा वो भी देख लीजिएगा।